जाते हैं, वहां पर संबोधित करते हैं, लेकिन किसानों से बात नहीं करते। आज तो इतना बड़ा तोहफा दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब क्यों राकेश टिकैत जैसे नेता पीछे हट रहे हैं? खुशी है वो खुशी मनाइए। आंदोलन रद्द करने की मांग आप कर रहे थे, वो आंदोलन रद्द कर दिया, इसकी घोषणा कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर तिलक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिलक जी, कानून वापसी की डगर है, नजर कहां है? अगर हम कानून के नजरिए से देखें और कानून के नजरिए से हटकर एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर खड़ा हो जाता है, यहां लोकतंत्र का जिक्र होता है। और क्या वाकई में यहां पर लोक और तंत्र, क्योंकि लोक से तंत्र है और तंत्र से लोक है, और ऐसी स्थिति में क्या ये सीधे तौर पर ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज गुरु पर्व का दिन है और गुरु पर्व आज ये फैसला जो सरकार ने लिया है, क्या वाकई टाइमिंग के अनुसार लिया है? ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि आखिर ने ये फैसला या ऐलान किया देश के प्रधानमंत्री ने, वो आज ऐतिहासिक दिन के तौर पर है। और आप अगर इस पूरे कानून की शक्ल को देखेंगे, कानून के नजरिए से असर को देखेंगे, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये तीन ऐसे राज्यों में खासतौर पर अगर हम जिक्र करें, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का जिक्र किया गया था, जहां की जो कम्युनिटी है और खासतौर पर जो किसानों के बीच में जिस तरह से नजरिया बना सरकार का, और क्योंकि चुनाव बीजेपी नैरेटिव और परसेप्शन पे लड़ती है, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री इस बात को भाग चुके थे कि बीजेपी के लिए सीधे तौर पर आने वाला वक्त बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। जिस तरह से किसान आंदोलन एग्रेसिव हो चुका था, आक्रामक हो चुका था, और खास तौर पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारी जानकारी में और हमारे सूत्र बता रहे हैं, लखीमपुर कांड जो जिस पर जिस तरह से किसानों को कुचला गया, उसके बाद एक्शन का रिएक्शन हुआ, बीजेपी के नेताओं की भी हत्या हुई, अब उस पर भी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, इसके संकेत भी मिल रहे हैं हमें। और साफ तौर पर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से बीजेपी ने ये खास तौर पर जो आंदोलन को लेकर जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने जो ऐलान बातें कही थी, उसको लेकर नाराजगी साफ तौर पर ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रही थी। यहां तक कि कई किसान नेता जो बीजेपी के चेहरे हैं वो अपने घर तक नहीं जा पा रहे थे। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री इस बात को भाग चुके थे कि अब यहाँ से कदम पीछे खींचने ही होंगे। और बिल्कुल, और तिलक जी देखा जाए तो जो एक साल से विपक्ष जो है मिलजुल कर बिसात बिछा रहा था, एक ही झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते इतने खास मौके पर, प्रकाश पर्व, और एक ही झटके में सब चित। बिल्कुल, आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी हुआ कि देश के प्रधानमंत्री अचानक गुरुद्वारे चले जाते हैं, माथा टेकते हैं, वो एक संकेत और संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हमने किसानों के हित में फैसले लिए। बिल्कुल, लेकिन किसानों का जिक्र करें या फिर इस आंदोलन की शक्ल का जिक्र करें, ये सीधे तौर पर एक जनभावना से जुड़ चुका था, और बीजेपी ये कतई नहीं चाहती थी कि जनभावनाओं के लिहाज से लिया गया जो फैसला जिसे जतलाने की कोशिश की जा रही है, उसमें 700 किसानों की शहादत कलंक जो है वो बीजेपी के माथे पर लग जाए। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत जरूरी है, 1984 के दौर में जाइए। 1984 के दौर में क्या हुआ था, जब सिख दंगे हुए थे और सिख दंगों में 2786 किसानों सिखों की मौत हुई थी, तब उसके बाद से लेकर आज 2021 का दौर है, कांग्रेस को हर मंच पर माफी मांगनी पड़ी, खुलकर यह जतलाना पड़ा कि हाँ हम इस बात से माफी मांगते हैं, हमें दुख है कि हमारे से गलती हुई। बिल्कुल, वो एक बयान बहुत भारी पड़ता है, भविष्य में उसे गलती के तौर पर माफिया मांगनी पड़े। अब ऐसे लिहाज से ये फैसला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन उस 700 किसानों का जिक्र जहां पर किया जा रहा है जिनकी शहादत हुई, क्या बीजेपी नेता जिन्होंने इन्हें खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, वो माफी मांगेंगे? अगर देश के प्रधानमंत्री माफी मांग सकते हैं, और दूसरे लिहाज से क्या किसान अब आंदोलन वापस लेंगे? राकेश टिकैत तो साफ कह रहे हैं ट्वीट करके कि ये आंदोलन तुरंत तो खत्म नहीं होगा, जब तक संसद में इस पूरे मामले को रद्द नहीं किया जाता तब तक हम नहीं मानेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि अब भी राजनीति करने पे राकेश टिकैत अड़े हुए हैं। नहीं, मसला राकेश टिकैत का नहीं है, मसला किसान संगठनों का काज, इस बात को हमें समझना होगा। वो MSP का मसला हो या किसानों की आय दुगनी करने का मसला हो या फिर बिजली के बिल के मसले को लेकर मामला अटका हो, और उन मुकदमों का क्या जो मुकदमे इन किसान कानून के दौर नेताओं पर दर्ज हुए हैं, तो इतना जल्दी नहीं कि सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया और किसानों ने कदम पीछे खींच लिए। निश्चित तौर पर रणनीति होगी, क्योंकि पूरे आंदोलन के भीतर 40 किसान संगठन है,
राकेश टिकैत जरूर चेहरा बन गए इस किसान आंदोलन का, लेकिन रणनीति के लिहाज से जो किसान पीछे और खासतौर पर नेता जुड़े हुए थे, किसान संगठन नेता, उनका फैसला काफी महत्वपूर्ण होगा। और माना यह जा रहा है कि जिस दिन संसद का सत्र शुरू होगा, जब ये औपचारिक तौर पर भूमिका अदा कर देगी सरकार कि हमने ये तीनों कानून वापस ले लिए, तब उसके बाद किसान जो है अपने घर की तरफ कूच कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि टाइमिंग के लिहाज से, और माना जाता है कि बीजेपी और मोदी सरकार जो है वो टाइमिंग के अनुसार ही कदम उठाती है। आज गुरुपर्व का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन है, और देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि नैरेटिव कैसे सेट करना है, परसेप्शन कैसे क्रिएट करना है, और वो बिल्कुल तय था कि जो है समाप्त किया जाएगा। ठीक है तिलक जी, एक और सवाल ये है कि 2022 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें पंजाब भी आ रहा है, उसमें यूपी भी आ रहा है, उसमें उत्तराखंड भी आ रहा है, और माना ये जा रहा था कि पहले भी सरकार ये कह रही थी, जो नेता कह रहे थे बीजेपी के, कि ये जो आंदोलन है वो सिर्फ इन्हीं तीन राज्यों में सिमटा हुआ है, बाकी कहीं नहीं है, हरियाणा, पंजाब और यूपी और थोड़ा बहुत उत्तराखंड। लेकिन अब जो भावुकता हमने देखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, ये भावुकता रंग लाएगी 2022 में? अब तो सरकार ने कदम पीछे खींच लिया, तो फिर ये सवाल ही गौण हो जाता है कि आखिरकार ये तीन राज्यों तक ही सीमित है। हाँ, चुनाव के नजरिए से ये सवाल, काजल जो सवाल आपने पूछा, और खास तौर पर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो इतिहास के पन्नों को पलटें तो किसानों की भूमिका यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण रही है, चाहे वो बाबा टिकैत का दौर हो। आप याद करिए राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा था जब वो देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उस दौरान एक ऐसा ही आंदोलन हुआ, तब उन्होंने कहा था कि बाबा टिकैत आए थे और लखनऊ में मैंने उनके लिए द्वार खोल दिए थे और घर में बैठ के उनको चाय पिलाई और कुछ ही देर के बाद वो आंदोलन समाप्त हो गया। और राजनाथ और वो किसानों के लिहाज से राष्ट्रीय लोक दल के लिए बिल्कुल मुफीद थी और राष्ट्रीय लोक दल उम्मीद लगाए बैठा था कि इसी किसान आंदोलन के जरिए वो वोटों की फसल काटेगा, जहां पर चोट पहुंची। अब दूसरा पहलू पंजाब के नजरिए से आप देखिए, पंजाब के नजरिए से कैप्टन अरविंदर का पीछे हटना, कांग्रेस को वहां पर चोट पहुंचना, और अब जो उम्मीद कांग्रेस लगाए बैठी थी कि किसी भी लिहाज से हम क्लीन स्वीप कर देंगे, आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि हम क्लीन स्वीप कर देंगे, लेकिन पंजाब में इस फैसले के बाद रणनीति बदलेगी, अब बीजेपी को वहां पर एक बड़े चेहरे की जरूरत है। यहाँ तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उत्तराखंड के लिहाज से, उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम हरिद्वार वाली बेल्ट देखते हैं और उधम सिंह नगर वाली बेल्ट देखते हैं, ये दो बेल्ट ऐसी है जहां पर किसानों का अच्छा प्रभाव है और खासतौर पर पंजाबी कम्युनिटी है, तो ये तीन राज्यों के भीतर जिस तरह के समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी करेगी, क्योंकि ये रणनीति के लिहाज से लिया गया फैसला है, चुनाव नजदीक है, बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, अब ऐसी स्थिति में ये फैसले का प्रभाव किस तरह से पड़ता है, बीजेपी किस तरह से ये समझाने में, और खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री जिनकी कनेक्टिविटी जनता के साथ बहुत अच्छी है, अब वो किस तरह से ये समझाते हैं कि भाई ये फैसला मैंने तब लिया था तो क्या वजह थी, अब मैंने कदम पीछे खींचे तो क्या वजह थी, क्योंकि मैंने साफ तौर पर एक बात कही कि हम किसानों को समझाने में नाकाम साबित हुए। और यहां पर काफी महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि किसान के सेक्टर को लेकर, क्योंकि अगर कांग्रेस जो है वो सिख दंगों का दाग अपने सर से माथे से नहीं मिटा पाई तो बीजेपी और मोदी सरकार ये कतई नहीं चाहती थी कि किसानों को लेकर जो उनके माथे पर कलंक लगे और 25-30 सालों तक उन्हें माफी मांगनी पड़े, इस तिहार से देश के प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया कि कदम पीछे खींच लिया जाए, पहले किसानों को मनाया जाए और फिर उसके बाद इस कानूनों पर इंप्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल तिलक जी, और बहुत कम ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई बिल आए और फिर उसे इस तरह से वापस लिया जाए। हाँ, खास तौर पर मोदी सरकार का, बिल्कुल सही कहा, मोदी सरकार ने जो भी फैसले लिए उसमें फैसलों को पीछे कदम खींचने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। अब इसके उदाहरण देखिए, तीन तलाक का फैसला लिया सरकार ने, कदम पीछे नहीं खींचे, 370 संकेत साफ दे दिया, आप कुछ भी कर लीजिए हम 370 में फैसला पीछे नहीं खींचेंगे, सीए और एनआरसी का मतलब, शाहीनबाग में आंदोलन होता रहा, सरकार ने कहा कि आंदोलन चलता रहे कोई दिक्कत नहीं, हम फैसला वापिस नहीं लेंगे, ये राजपीत का मतलब है। लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जहां पे सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे, यानी कि अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दो ऐसे चेहरे जो एक विश्वसनीय चेहरों के तौर पर देखे जाते हैं मोदी सरकार के भीतर, उन दोनों चेहरों ने सोच समझकर रणनीति के लिहाज से ये फैसला वापस लिया।
यानी सीधे तौर पर किसान आंदोलन का प्रभाव बीजेपी भाग चुकी थी, मोदी सरकार भाग चुकी थी और इस बात को समझ चुकी थी कि अभी फैसला लेना वापस कदम पीछे खींचने का बिल्कुल सही दिन है, गुरुपर्व का दिन है, यहाँ पर संदेश साफ जाएगा, संकेत साफ जाएगा, इस लिहाज से कदम पीछे खींच लिया जाए तो सबसे बेहतर है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि मोदी सरकार फैसले पीछे नहीं लेती है, इसके कई उदाहरण देश के भीतर है। अब ये संकेत प्रधानमंत्री साफ दे सकेंगे कि मैंने राज्य के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में और किसानों के हित में ये फैसले लिए थे और अब मैंने वो फैसला, इसलिए मैंने किसानों को समझा नहीं पाया, इसलिए मैंने ये फैसला वापस ले। तिलक जी, डर सबसे ज्यादा कहां था, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डर था या दोनों में ही सबसे ज्यादा डर बना हुआ था? हाँ बिल्कुल काजल, अगर इतिहास के पन्नों को पलटे और देखें, क्योंकि अकाली दल पंजाब में बीजेपी से दूर हो चुकी है, वहां फैक्टर नुकसान या फिर जीत या हार तक सीमित नहीं था। जहां फैक्टर अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी चुनाव हार गई तो ऐसी स्थिति में उसका लखनऊ का रास्ता बंद हो जाता है, बिल्कुल। इस बात को बीजेपी नेता भी जानते हैं, लेकिन यहां मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के नजरिए से यह फैसला नहीं लिया गया, जहां तक मुझे समझ में आता है। और मेरा जो राजनीतिक लंबी पारी खेली गई है, बहुत लंबी पारी, ये एक दूरदर्शी फैसला, इसके पीछे मैंने आपको उदाहरण दिया 1984 का, जब सिख दंगे हुए, सिख दंगों के बाद किसानों की माफ करेगा सिखों की हत्या हुई और 2770 के आसपास, 2800 के आसपास ऑन रिकॉर्ड सिखों की हत्या कर दी गई। उसके बाद से कांग्रेस उस भरपाई को भर नहीं पाई है पॉलिटिकल नजरिए से, चाहे वो सज्जन कुमार हो, जगदीश टाइटलर हो, कमलनाथ हो, वो माथे पर एक कलंक लग गया और बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि किसानों को लेकर उसके माथे पर कलंक लगे, इस बात को हमें समझना होगा। और 20-25 सालों के बाद भी बीजेपी इस बात को लेकर माफी मांगे कि हमारी वजह से 700-800 किसानों की मौत हो गई, तो ये बीजेपी समझ चुकी थी कि अब ये माथे पर कलंक ना लग जाए, इसलिए कदम पीछे खींचना ही होगा, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ 700 किसानों की शहादत के साथ साथ वो मसले भी है, एमएसपी को लेकर क्या फैसला लेगी सरकार, बिजली के दरों को लेकर क्या फैसला सरकार लेगी, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं और खासतौर पर किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे उसको लेकर क्या फैसला लिया जाएगा जो इस दरमियान लगे। काजल बिल्कुल, तिलक जी जो 700 शहादत किसानों की हुई है, बार बार आप इसका जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमा मांगी है लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर शहादत का जिक्र नहीं किया, लेकिन जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, क्या वो सामने आएंगे, क्या वो माफी मांगेंगे, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्षमा मांग चुके हैं? यही तो सवाल है काजल, यही सवाल है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप हरियाणा का जिक्र करते हैं, अनिल विज ने क्या कहा था, वो तो बीजेपी से बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, मंत्री है, खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कहते हैं और हरियाणा के भीतर पानी की बौछारों के साथ साथ वो किसानों की हत्या, जो 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो क्या देश के लिए कलंक नहीं था? जो देश के भीतर जो कुछ 26 जनवरी को हुआ, जो आईटीओ के पास हुआ, पीएचयू के पास हुआ, जो लाल किले पर हुआ, क्या वो देश के लिए दाग नहीं था? ये कई महत्वपूर्ण सवाल है, क्या वो बीजेपी नेता जो खुलकर कहते थे ये किसान नहीं खालिस्तानी है, आंदोलनजीवी, ये खालिस्तानी है, आंदोलनजीवी है, तो फिर बाहर से फंडिंग हो रही थी, तो फिर सवाल तो खड़ा होगा कि क्या ये, अगर देश के प्रधानमंत्री माफी मांग सकते हैं तो वो किसान आंदोलन, जो किसानों को लेकर जिन्होंने आप शब्दों का इस्तेमाल किया बीजेपी नेता, वो क्यों नहीं माफी मांग सकते? बिल्कुल, जब देश के प्रधानमंत्री खुलकर कह सकते हैं कि भाई हम समझाने में नाकामयाब हुए, तो फिर बीजेपी नेता इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते कि हाँ हमने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, और वो अधिकारी जो खुलकर कह रहे थे कि सर फाड़ देना किसानों का, जिस एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था, वो भी माफी, उन्हें भी माफी मांगनी होगी। तिलक जी आखिर में बस यही कि अब चुनावी में जो यहाँ पर रैलियां होंगी, जो संबोधन होंगे, उसमें एक और नारा जुड़ जाएगा? बिल्कुल, ये आप इस बात को समझिए कि देखिए अब कुछ ही क्षणों के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ग्राउंड पर उतरकर सीधे तौर पर श्रेय लेने की कोशिश करेंगे कि हम किसानों के साथ। ठीक है तिलक जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, क्या पहलू हो सकता है इसका, किस तरह से किसान आंदोलन रहा एक साल में और आगे क्या
केंद्र सरकार ने सोचा है, क्या बीजेपी ने सोचा है, पूरे एलिब्रेट करने के लिए, इसे समझाने के लिए हमें आपका बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि कानून की वापसी हो गई है, अब घर वापसी की तैयारी। अब देखना होगा कि किसान घर वापसी कब कर रहे हैं। फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।